क्रिश्चियन होके है, मुसलमान होके आप कुछ तो रियायत करो, मुसलमान होके से कहो जा बहुत बोली जा बदतमीजी कर रहे थे उन्होंने, जब भी गाली गलौज करे अंदर आके लेडीज के ऊपर बदतमीजी करे, गंदी गंदी गाली दे बच्चे, वो तो जो मंजिला भाई है जावेद भाई के जो इतनी अथॉरिटी है, गंदी गंदी गाली दी हमारी बहन को हमारे सामने, हम लोग अंदर थे कॉर्पोरेटर है एमएलए है वो क्या है अल्लाह को मालूम, ये पूरा इनको अथॉरिटी मिल के है कॉर्पोरेटर जो सीटा मिले है, ऐसा सीटा मिले तो उसका नजास से फायदा नहीं उठाना, मुसलमान हो के रमजान में एक दूसरे का ख्याल करते हैं, पड़ोसियों को एक दूसरे का ख्याल करते, ऊंची आवाज में बात नहीं करते, उनके घर में तकलीफ है तो घर पहुँच कर जाके उनकी मिजाज खुशी करते। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल, मैं हूँ शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। दोस्तों बहुत दिन बाद आज अनकट दोबारा, आप लोग शायद कंफ्यूजन में थे होंगे शायद कुरैशी कहाँ गायब हो गए क्या, भाई मैं भी इंसान हूँ, रमजान की शुरुआत है, शुरू शुरू के रोजे आप सबको पता है कैसे रहते हैं, तो बॉडी थोड़ा स्टेबल हुए तक रेस्ट करना था, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, लिहाजा फिर से बाउंस बैक, अनकट शुरू। और आज के अनकट के शुरुआत से पहले आपने सुना एक गरीब मजलूम मुसलमान खातून टोलीचो की नदीम कॉलोनी की मजलूमा की आवाज, यानी कि रमजान का महीना भी नहीं देखा, इफ्तार से पहले रोजे की हालत में एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई पर खातिलाना हमला, और इत्तेफाक से एमआईएम के नुमाइंदा कारपोरेटर के भाया। जी हां नाज़रीन, लेकिन हम आपको बता दें इस हरकत से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मुतालिका एमएलए कौसर मोहियुद्दीन काफी सीरियस है। जी हां नाज़रीन, छोटा सा पार्किंग का इशू नदीम कॉलोनी में नौजवानों का बीच झगड़ा, कौसर मोहियुद्दीन ने जुमा की नमाज के बाद इनके बीच मस्जिद में कॉम्प्रोमाइज कराकर चले गए, लेकिन कॉर्पोरेटर के भाया है कि गुस्से में आ गए और कहने लगे एमएलए को कौन बुलाए, जिसने बुलाया अब उसका तो आज रात को खतल है। क्या बात, ऐसा ही हुआ, इत्तेफाक से बेचारे की किस्मत अच्छी थी, हयाती बच गया, उस्मानिया दवाखाने में जेर इलाज में। आइए देखते हैं नजर। मैं कौसर साहब आए, कौसर साहब आ गए, पूरी वीडियो मस्जिद की वीडियो मैं निकाला, मस्जिद की पूरी वीडियो मेरे पास है, लेके जाके आपको बताता हूँ, अभी आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दो, आप पूरा डालेंगे वहाँ पे पूरी मस्जिद की वीडियो। हमारे सवालों के नामा क्या है? जावेद जवाद और एक जने नहीं 50 जने ज्वाइंट फैमिली रहते हैं लगा, और लेडीज भी चल के वहाँ पे विटनेस देती हूँ मुल्के भरी, लेडीज पे भी जाके अटैक करे लगा हमला करे, और ये हवा तो हुआ है, अभी बात हो गई थी, कौसर साहब आके जुमे की नमाज के बाद कौसर साहब आके बंकर के गए, कौशल साहब आके बात कर लेके गए, कौशल साहब जैसे आके बात कर लेके थोड़ा बेहतर है, कौशल साहब को बुला के अच्छा न करे, अब जो भी होता है खून खराब है जो था, अब देख लेंगे, अब चलो अब बाहर निकलो, कल आज रात में जाने बसते बोल के पूरी पूरी पलटन वो कर लिया लगा। देखा नाज़रीन, कल रात टोलीचो की नदीम कॉलोनी के इलाके में हुई इस हरकत से काफी सनसनी मच गई, बवाल मच गया कि एक जिम्मेदार जमात के जिम्मेदार नुमाइंदा कारपोरेटर के भाइयों की इस हरकत ने सबकी आंखें खोल दी, लेकिन सदर मजलिस हालांकि उमरा में है, उनकी हिदायत पर मुतालिका एमएलए कौसर मोहियुद्दीन अस्पताल पहुंचे और जख्मी बच्चे का आयादत की और पुलिस को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे लोगों का साथ नहीं देती, चाहे वो पार्टी के कारपोरेटर हो और कोई हो, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जी हां नागरिक, अब मसला यह है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब अंजनी कुमार साहब जो एक हॉनर्ड स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उन्हें चाहिए कि खुद पर्सनली ऐसे मामले में इन्वॉल्व हो और आइंदा ऐसी हरकत ना हो, इस पर गौर करें। नाजरीन, ये था आज का हमारा अनकट शो, उम्मीद है कि पसंद आया होगा, पसंद ही आया होगा, नहीं भी आया है तो कमेंट मत करिए, देखिए लाइक करिए शेयर करिए और मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।